नमस्कार, आप सभी प्रिय दर्शकों है भानु प्रकाश देवी को। उत्तराखंड की जो समृद्ध लोक परंपरा और हमारी विरासत है ना, वो माँ पांडव नृत्य सबसे अग्रणी है। और पांडव नृत्य की जो विरह है वो महाभारत कालीन से, और महाभारत कालीन जो पांडव थे ना, वो तो हमारे पूर्वज भी माने। और आज बहुत उत्सव को दिन छो, और हमारा जो ग्राम पंचायत सिनाओ माँ जो पोखरी विकास खंड का अंतर्गत पड़ो, वे माँ आचार्य कृष्णानंद नौटियाल जी पहुँचा छे ना, जौन गढ़वाली चक्र व्यूह की रचना करी। और आज एक भव्य कार्यक्रम यखम रहे चक्र व्यूह हुए, कन कन वो कार्यक्रम रहे, और क्या चाहिए कार्यक्रम को जो पूर्व प्रस्तावना उनसे हम बातचीत करना। गुरु जी सबसे पहले तो आपको स्वागत छे, और ये जो भव्य कार्यक्रम आपन कराए ये की रूपरेखा क्या छे? असल में यो जो आज जो कार्यक्रम हम प्रस्तुत कर रही जो पंडवाली शैली में पूरा अपन देखो शुरू से लेकर आखिर तक पंडवाली शैली में, और पंडवाली शैली हमारा गढ़वाल की सबसे प्रसिद्ध शैली छ, लोक शैली। लोक में यह कैसे है क्या तक संदेश पहुँचा जो कार्य बन छो, और एक काव्यतः संपूर्ण काव्यतः या महाकाव्यतः एक पीढ़ी बटीन दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाने कार्य बन छो, जो सब पंडवाली में बन छो। और हंत सौभाग्यशाली छा कि हमारा पूर्वजन पंडवाली का माध्यम से संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है सुरक्षित और संरक्षित करी। अरे समय आज मैं सामने पर छू, आज तक से पीढ़ी ये जो जैसे विदा चाहे सुरक्षित संरक्षित भी संरक्षित आप जोड़ा चाहे चक्र व्यू बने ये का अलावा कमल व्यू ये दस जो महाभारत का सबसे विशाल व्यू ते भी रचना वही महाराज ते भी मन जन्मी हुए चुके, ये पोखरे में दुई बार कर चुके हो। लेकिन पश्चात 16 दिन को युद्ध जो जेता मकर व्यूह बदन मकराकृति व्यूह बदन जमा करण बदवन एक भी रचना हुई है, देखो मंचन भी वही है, सभी अमर पोखर में हुई है, और देश देश का विभिन्न भागों में भी वही है। निनाद में भी मतलब जो राष्ट्रीय कार्यक्रम थे निनाद में भी प्रथम जो कार्यक्रम आए। और अब आप बिंदु व्यूह जो 18वां दिन को व्यूह है जो वाटर बबुल का भीतर दुर्योधन से पीछा, तो एक जगह पर अब हाथी दुर्योधन पर यु चक्र व्यूह जो है जो सात द्वार ये मावन पहला द्वार पर जयद्रथ, दूसरा द्वार पर आचार्य द्रोण, तीसरा द्वार पर दुशासन, चौथा द्वार पर कर्ण, पांचवा द्वार पर शल्य और लक्ष्मण, छठवा द्वार पर कुलगुरु कृपाचार्य और अश्वत्थामा माँ मावन जद्वी, और सातवा द्वार पर शकुनी और महाराज दुर्योधन तैनात हो। पहला द्वार, दूसरा द्वार, तीसरा द्वार, चौथा द्वार, पांचवा द्वार, छठवा द्वार तक जीत ही है। अभी मैंने जब सातवा द्वार पर पहुंचे थे तो शकुनी दुशासन दुर्योधन तक समझौन के भाई अगर यो ये नहीं रोल ये हमारे बद कर दो और ये युद्ध जीते चल जाओ, ये से छल से कपट से दृष्टता का साथ साथों महाराज मिली था ये हथियार लूटा पड़े तो, और हथियार लूटी था ते के बाद ये को बद कर दो लाओ। तो दुर्योधन तेई तकनीक था अपनों ने, और फंस गो मेरा अभिमन्यु आज त्वेषा की भेंट दो, त्वेषा की भेंट दो लाडा गोला पे पीला दो, हाथों को धनु से बाबा का पीठी को तरकस, हाथे की तलवार धर सीतनु सतीरा, इन सबको छोड़ दे और मैं तेरे को ये सारा राजपाट दे करके मैं स्वयं जंगल में चला जाऊँ। मैंने ये सोचा है कि अभिमन्यु को ही अब राजपाट तो ही है, लक्ष्मण तो मर गया है, अब सारा राजपाट तेरे को ही दे करके हम यहाँ से प्रस्थान कर देंगे। तो अभिमन्यु उसकी चाल में आ जाता है, गदा धनुष हथियार तरकस वगैरह सब दे देता है, और उसके साथ सारे महारथी जैसे आपने देखा मिल करके बहुत क्रूरता के साथ दुष्टता दृष्टता के साथ अभिमन्यु का वध करते हैं। और वध करने के पश्चात प्रसन्न होकर के लीजा रे पांडवो अपना छोरा को माटो, आज लक्ष्मण की लाश देखी था मैं जो दुख जो अभिमन्यु की लाश देखी मेरा मन में छप छपी पड़ी, लीजा रे अपना छोरा को माटो, और उसके बाद चले जाते। तब सन सप्तक से जब अर्जुन वापस लौटते हैं, और वापस लौट करके जब उनको ये लगता है कि मेरा पुत्र मर गया, उससे पहले पांडव लोग उसकी लाश को चक्रव्यूह से शिविर तक ले आते हैं। तो शिविर में वो उसकी आत्मा बोलती है
कि हाथों का कंकण मेरा कानों का कुंडल धनुष तरकस बाबा लोचेला खोसेला मेरे बालों की कोली बाबा सातवां द्वार पर दुर्योधन का मार त्यों लोचेले खोसेले। ये भावना तब अपील, ये आत्मा की आवाज जब अर्जुन तक जाती है तो अर्जुन को बड़ा क्रोध आता है, बोलता है मेरा भैजी बोला झट बाज खोला के ना गाए होलो डालो अभी मनु ये बीठा की थोली फुलाना नी दिनी जोड़ी को माले उड़ाना नी दिनी। ये बीठा की थोली के समान था, कोमल बच्चा था मेरा, किसने मारा हुआ मेरो अभी मनु मेरी आंखों को रतन के ना गाए होलो क्या गाए होलो। उसके समझ में नहीं आया कुछ, तब वो बोलते हैं कि मेरा अभिमन्यु नाम चक्रव्यूह जाने की हरी अट करी हमने के समझाई बुझाई और तय निमाणी आगे कर तो युद्ध में चल गई और युद्ध में जाना था हम तय आगे दौड़ पड़ी तब तक सात महाराज जुन मिली देखो बध करी और बध करें तो कोई बात नहीं कि वीर पुत्र छे देखो वीर के तय प्रात होने छो असली बात ये हुई कि सातवां द्वार पर आता है जय रथ न देगा मरिया सौ पर लाते प्रहार करी और ये बात है सुनी है ना ये बात है सुनी अर्जुन तय बहुत क्रोध है तो कब बोलते हाथ को गांडी मेरो फपड़ाना लगे लुए घर के ढाल मेरे फपड़ाना लगे बहुत पूरी हो जाता वो है। अब तब प्रतिज्ञा करता है कि बोलो सूरज धरती दो दिखपाल जागा सभी कहते हैं संसार में सारे उसमें गति महाभारत युद्ध में महाभारत में उल्लेख आता है कि समय की गति भी एक क्षण मात्र के लिए रुक गई थी जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा की क्योंकि वो नरावतार थे ना क्षण मात्र के लिए प्रकृति की गति रुक गई थी। पुष्पों ने खिलना बंद कर दिया था, पानी ने बहना बंद कर दिया था, हवा ने चलना बंद कर दिया था, वो तो अचानक फिर चंद्रा टूट गया प्रकृति में भी एक कार्यक्रम चलता रहा। उसने कहा धरती हे धरती ध्यो आकाश दिखपाल जागा सभी हो जाओ सचेत लो सचेत हो जाओ प्रभु जी का चरणों के सौंदर्य आज प्रतिज्ञा करो। मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ कि मारे बालक जैन मेरे मिलके जिसने मेरा बालक जिन्होंने सबने मिलकर मेरे बालक का वध किया है वो अपने काले बुले एक न मारे ठोकर जैन ते का मुंडमा ते का दिन तो इस तरह से ये सारा कार्यक्रम यहाँ पर हमने प्रस्तुत किया था। अंत में अर्जुन प्रतिज्ञा होती है, कृष्ण भगवान जी कहते हैं उसको कि भाई ना कर दू दुख ना कर तू हे अर्जुन भय दिनों ना जानदा रानान वीर जो होना ये दुनिया मा सबका प्यारा होना ये को दुख ना कर हे अर्जुन यो तो अमर हुए चल गए धरती माँ भरत माँ धरती का ऋण से आज ऋण हुए उसी के साथ नाटक समाप्त हो जाती है। बहुत ही शानदार प्रस्तुति रही गुरु जी आपकी और थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप इस कार्यक्रम के पूरे संयोजक हैं आयोजक हैं मैं ये समझता हूँ कि आप इसके जो है प्रायोजक भी आप ही हैं क्योंकि आप प्रचार इसका जो है कर रहे हैं लगातार। रोथान जी ये बताइए कि जो ये नाटक है आप लगातार जो हमारी गढ़वाली विधा है जो हमारी घर के जो संस्कृति से जो हमारी विरासत से वह था आप संजोड़ो काम करना चाहिए क्या बोल जाना है नेगी जी ये संबंध में आचार्य जी ने चक्रव्यूह बारे में आपने बता ली हमारो एक ही उद्देश्य छे और जब भी हम कार्यक्रम करना ये गढ़वाली बोली भाषा में हमारे विचार कि हमारा जो बाल बच्चा छे वो अपनी बोली भाषा नहीं भूलन हम ये चक्रव्यूह ना और कार्यक्रम होता भी गढ़वाली में करना और नेगी जी नरेंद्र सिंह नेगी जी को बड़ा दस्त हम लोग दगड़ी से और वो दगड़ी भी हमने बहुत सारा मंच साझा करी ना और उनका ही अनुसार हम ये गढ़वाली कुमाऊनी और जौन सारे भी बोधन लेकिन गढ़वाली कुमाऊनी का एक ही भाषा है ये तय अग्नय बढ़ाने का वास्ता पूरा प्रयास करना चाहिए और मैं ज़्यादा ये का संबंध में आपने बार बार हम मिलना रोला और अभी हम जान भी तो
मैं खास तौर से आप लोगों को आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग यह कहना बहुत ये तो आपके क्षेत्र से और ये ढंग से हम फिर भी मिलना रोला। अब मेरे ये आप लोगों से भी निवेदन है कि हम अपना परिवार में कम से कम अपना बच्चों तक ही गढ़वाली में बोला, हालांकि आप बच्चा चाहे घर में छन या फिर जन हमारा बच्चा छन हमारे देहरादून माँ छन नाते नथना हमारे प्रयास में हम तोते हैं गढ़वाली का शब्द सिखाना। तो ये कार्यक्रम सफल हुए, ये आप लोगों का सहयोग से ये क्षेत्रीय जनता को आशीर्वाद से मैं एक बार पूरा ये नागनाथ क्षेत्र की जनता को हृदय से आभार व्यक्त कर दूँ और मैं सब तय प्रणाम कर दूँ। यूँ सब दुख का बात एक बार फिर से माँ दूध का मत और नागनाथ तय प्रणाम कर दूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद रोधन जी। तो लोक संस्कृति की जब भी बचौड़ की बात होनी तो हम तय अपना घर बिटिन शुरुआत करना चाहिए, इसलिए कि जब हम अपना बच्चों दगड़ी दूध बोली भाषा हमारी जो लोक भाषा गढ़वाली तक नहीं बोल रहा या कुमाऊनी ची या जौन झारी तक नहीं बोल रहा तो तब तक हम अपनी लोक भाषा या लोक संस्कृति तय बचौड़ों का सपना नहीं देख सकता। भानु प्रकाश नेगी, पारतोली, चमोली।